हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के टॉप 40 एमसीक्यूज का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो किसी भी हालत में इन एमसीक्यूज को मिस मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी बीटन इन टू शीट्स इज कॉल्ड। मेटल की प्रॉपर्टी इस वजह से मेटल्स को चादर के रूप में पीटा जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, मलेबिलिटी, सोनरस या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा मलेबिलिटी। मेटल की प्रॉपर्टी जिसमें मेटल से चादर बनाई जा सकती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स इज कॉल्ड। मेटल की प्रॉपर्टी जिस वजह से मेटल्स को तार के रूप में खींचा जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी, सोनोरिटी, मेटलिक या मलेबिलिटी। डक्टिलिटी, मेटल से वायर्स बनती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और मेटल से शीट्स बनती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी। क्योंकि मेटल से साउंड्स निकलती है, आवाज निकलती है, मेटल की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे साउंड मेटल, सोनोरस, रिंग मेटल या मेलेबल। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस या सोनोरिटी। ये सभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सोनोरिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉपर्टी दैट मेक्स मेटल शाइन कोल्ड। मेटल की प्रॉपर्टी जिस वजह से मेटल शाइन करते हैं, मेटल चमकते हैं, इसे बोलेंगे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस या लस्चर। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्चर, जिस वजह से मेटल शाइन करता है, चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज। लिक्विड स्टेट में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी या गोल्ड। क्या आंसर आएगा, मरकरी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में आएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज इन रैपिंग मटीरियल्स। मटीरियल्स को रैप करने में, कवर करने में किस मेटल का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर या नन ऑफ ऑल। रैपिंग मटीरियल या रैपिंग फॉइल्स हम बोलते हैं एल्यूमिनियम को। जो एल्यूमिनियम होता है लेस रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन वाटर, ओपन एयर, अल्कोहल या केरोसिन। सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल होता है K। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं। एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ एकदम से कॉन्टेक्ट में आते हैं। एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद इनमें आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। आयरन भी क्या है, मेटल। सिल्वर भी क्या है, मेटल। बट ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट, ये सभी नॉन मेटल्स। बट एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सभी मेटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर शाइनी, हार्ड, सोनरस या ऑल द अबव। मेटल्स शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी, ऑल द अबव। मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शनल आएगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों सॉफ्ट होते हैं और इन्हें नाइफ से या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ए लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ ऑल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस का एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, एल्यूमिनियम आर नन ऑफ ऑल। हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। कार्बन के दो एलोट्रोप है, डायमंड और ग्रेफाइट, और साथ में फुलरीन भी कार्बन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। इनमें से कौन सा मेटल इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है या कम रिएक्टिव है, सिल्वर, आयरन, कैल्शियम या सोडियम। सिल्वर लेस रिएक्टिव होता है, इसका आंसर रहेगा सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज। इसका आंसर रहेगा, जो जिंक होता है वो टिन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये फूड आइटम के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इनमें से थिन शीट्स में इसे पीटा जा सकता है या इससे थिन शीट्स बनाई जा सकती है, थिन शीट्स बनाई जा सकती है मेटल से। तो देखिए, इनमें से मेटल का एग्जांपल कौन सा है, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इनमें से जिंक मेटल है, बाकी फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये तीनों नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल, व्हाट इज लस्टरस। इनमें से नॉन मेटल है बट वो लस्टरस से शाइन करता है, कार्बन, मरकरी, आयोडीन और फ्लोरीन। तो आयोडीन लस्टरस होता है, ये चमकते, फाइट भी लस्टरस होता है। मोस्टली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्टरस, इनमें शाइन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज्यादा डक्टाइल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड। गोल्ड हाईली डक्टाइल होता है, हाईली मेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, एलॉय, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स या नन ऑफ ऑल। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की क्वालिटीज होती है मेटलॉइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, नॉन मेलेबल या ऑल द अबव। आंसर आएगा इसका डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन,
सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका आंसर आएगा कार्बन। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट करना मत भूलिए। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या एल्युमिनियम। ये थे आज के टॉप 20 MCQs। होपफुली इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कविता ई ट्यूटोरियल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।